आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू एंड कश्मीर को लेके एक बड़ा फैसला आया है, डीलिमिटेशन। क्या है डीलिमिटेशन, कई बार मैं इसकी बात कर चुका हूं, हम फिर से इसको जानेंगे, तो देखते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले तो यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ गई, 861 वांट्स है मेरे दोस्तों। कब कोर्स लोगे भाई, कब कोर्स लोगे बेटा? शानदार कोर्स बनाया है, पूरा लाइव होने वाला है। अब ये डाउट सेशन लाइव, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, मेंस, सवालों को कैसे टैकल करना है, आपका एग्जाम हम निकलवाएंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आंसर राइटिंग सेशन, नोटिफिकेशन को देखते हुए हमने सेल निकाली है। यूपीएससी 25 आपको कूपन कोड यूज करना है एक्स्ट्रा 25% ऑफ के लिए। इन नंबर्स पर कॉल करिए, ऐप डाउनलोड करिए, आज रात 12 बजे तक की सेल है, ठीक है? तो यूपीएससी कोर्स के लिए ये सिर्फ। अब देखिए, जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन काउंसिल की बात करें तो चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द 90 असेंबली सीट्स व्हाइल रीकॉन्फिगरिंग एंड रीनेमिंग 28 न्यू असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज एंड डिलीटिंग 19 असेंबली सेगमेंट्स। कहां है सर, समझ नहीं आया? बहुत आसानी से मैं समझाता हूं। देखो होता क्या है, डीलिमिटेशन मतलब सीट्स को दोबारा ड्रॉ करना, मतलब हर 10-10 साल में सेंसर्स होता है, पता है? सबसे पहले 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो थे ना, ये पहले वाइसरॉय थे जिनको उड़ा दिया गया था, लॉर्ड मेयो। तो इन्होंने सबसे पहले सेंसस करवाया था, तब से हर 10-10 साल में सेंसस हो रहा है। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 82 आर्टिकल 170 मतलब हमारे संविधान में, अभी मैं डिलिमिटेशन के बारे में आपको पूरा ये लिखा हुआ है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, वो तो मैं समझा ही दूंगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक एरिया है, जैसे लखनऊ ले लेते हैं, है ना, तो लखनऊ में सीट्स है, ठीक है? अब मान लीजिए कि लखनऊ को, सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं, उसको 5 पार्ट में बांटा है, ठीक है? अब 10 साल में उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो भाई कुछ ऐसे एरिया होंगे जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हम उनको 5-7 कर देंगे, 7 पार्ट में बांट देंगे। यानी कि पहले लखनऊ में 5 सीटें थी, 10 साल में सेंसस हुआ तो बढ़ के 7 सीटें हो गई। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई ना, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे आपको सीटें बढ़ानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, अगर इस पूरे के पूरे रूम में मैं एक इंसान हूं, ठीक है, तो एक रूम मेरे लिए काफी है। अभी अगर 10 साल बाद इसी रूम में 15-20 हो जाएंगे तो क्या होगा, मुझे रूम को डिवाइड करना पड़ेगा। सेम चीज है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सीट्स भी आपको बढ़ानी पड़ेंगी। समझ गए? बहुत बढ़िया। तो डीलिमिटेशन कमीशन बनाई जाती है। अब जम्मू एंड कश्मीर के साथ क्या हुआ है, कश्मीर 2019 5 अगस्त 2019 ऐतिहासिक फैसला कि 370 हम खत्म कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन था। मेरे हिसाब से 370 हम खत्म कर रहे हैं। अब जब 370 को हमने खत्म किया, आर्टिकल 35A को खत्म किया, जो कि क्योंकि देखिए थोड़ा सा मैं इतिहास बता देता हूं जम्मू एंड कश्मीर का, चलो बहुत जल्द से निपटाऊंगा, वैसे मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर सब। 1947 के बाद कश्मीर जो है हमारा, ये पूरा का पूरा कश्मीर है, ये पूरा कश्मीर हमारा है। सबने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लिया था कश्मीर को छोड़ के। कश्मीर, त्रावणकोर के राजा, हैदराबाद और जूनागढ़, ये 4 सिरदर्दी कर रहे थे। कश्मीर एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट था, ठीक है, महाराजा हरि सिंह थे। तो पाकिस्तान ने, क्योंकि देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ये साइन कर नहीं रहे थे, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन, तो अब हुआ क्या कि इन्होंने, पाकिस्तानियों ने हमला बोल दिया। ये बहुत बड़ा एरिया, देखिए जब पाकिस्तानियों ने हमला किया अक्टूबर 1947 आते आते, तो उसके बाद फिर भारतीय सेना भी गई, तो भारतीयों ने पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे भारत पीछे ढकेलते गए, ढकेलते यहां पे आप देख रहे हो ना, यूनाइटेड नेशन बन चुका था, जवाहरलाल नेहरू चले गए यूनाइटेड नेशंस, तो मामला यूनाइटेड नेशंस, भारतीय सेना पीछे ढकेलती जा रही है। लेकिन जैसे ही वो पूरा ढकेलने जा रही थी, तुरंत मामला चला गया यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस से बोल दिया बंद करो। कौन सा रेजोल्यूशन था कमेंट बॉक्स में बताओ। रेजोल्यूशन पास हुआ, सीज फायर एस्टैब्लिश हुआ दोनों के बीच में, एक लाइन बनाई गई LOC, बाद में इसको प्रॉपरली रीड्रॉ किया गया 1965 के बाद। तो अब हम ये देखते हैं कि अभी ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाला है, इसने ये कश्मीर का वो पार्ट है जहां पे पाकिस्तान का कब्जा है, आप समझ रहे हो, और ये वाला कश्मीर हमारा है, ठीक है, पूरा ही कश्मीर हमारा है। लेकिन अगर अभी बात करें, ये वाला कश्मीर डिस्प्यूटेड है। तो अब दोस्तों जब कश्मीर जो है, कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया, यूनाइटेड नेशंस में चला गया, अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि कश्मीर को अलग संविधान दिया गया, डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स को छोड़ के कश्मीर के पास सब कुछ है,
केंद्र खाली इन्हीं तीनों मामलों में हस्तक्षेप करेगा। बाकी जम्मू एंड कश्मीर का अलग संविधान आया, भारत का अलग संविधान। इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर भाई 1960 से पहले तो जम्मू एंड कश्मीर को अलग प्रधानमंत्री दिया जाता था, गवर्नर उनका अलग, सदरे रियासत बोला जाता था ना। तो आप समझिए कि सब कुछ दो झंडे थे अभी तक, तो पूरा लॉ ही अलग था। और 370 लाया गया और 35A लाया गया कि कश्मीर को बिल्कुल ऑटोनॉमी दी गई है, हम ज्यादा उनके में हस्तक्षेप नहीं करने वाले। ये चलता रहा, इंसर्जेंसी भी चलती रही कि कश्मीर को तो आजाद करना है, सब कुछ बहुत हुआ। लेकिन 2019 में इस 370 को खत्म कर दिया, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का संविधान खत्म। अब भारत का संविधान लागू होगा, जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेट नहीं, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, राज्य का दर्जा गया। अब तुम यूनियन टेरिटरी हो, सीधा सेंटर कंट्रोल करेगी, समझ गए आप। अब भाई अभी 90 असेंबली सीट्स थी जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है, वो खत्म हो गई, दो यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, एक दो लद्दाख जिसमें लेजिस्लेचर नहीं होगा। एक और चीज आपको बता दूं, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। इसमें जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा, तो सेंटर का कंट्रोल है, जहां सेंटर कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। दूसरा पॉइंट ये है लद्दाख, देखो बेटा भारत में पॉलिटिक्स कुछ ऐसी है ना कि भारत में मैप है, क्या मैप लगाया है इसने कि नहीं, रुको मुझे देखने दीजिए। हाँ, ये लद्दाख वाला एरिया, ये जम्मू एंड कश्मीर से बड़ा एरिया है, आपको पता है ना, एक भी सीट नहीं है यहां पे, एक लोकसभा सीट। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, अगर आप इनकी विधानसभा की भी बात करो तो लद्दाख को कुछ दिया ही नहीं है। होता क्या है कि जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में है लोकसभा की 80 सीटें, विधानसभा की 404 सीटें। तो आप देख रहे हो कि पूरी की पूरी पॉलिटिक्स यूपी से शुरू हो रही है, सारे के सारे पॉलिटिशियंस यहां पे जान झोंकेंगे, क्योंकि 80 सीटें ज्यादा है, जिस राज्य में सीटें ज्यादा होंगी पॉलिटिशियन लग जाते हैं कि इस एरिया को डेवलप करो, वादे करो, लेकिन जहां पे सीटें कम होगी, अरे यहां पे मेहनत करने से क्या फायदा है यार, एक ही दो तो सीटें हैं। लद्दाख के साथ यही हो रहा था, प्रॉब्लम यह थी कि लद्दाख को पूरा दरकिनार किया गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी हो गया जिसमें लेजिस्लेचर नहीं होगी। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी, दिल्ली की तरह एक यूनियन टेरिटरी हो गया है जिसमें लेजिस्लेचर होगी, विधानसभा होगी। इससे पहले विधानसभा विधान परिषद दोनों ही थे जम्मू एंड कश्मीर में, 7 स्टेट्स थे ना, 7 राज्य, अब तो खैर 6 रह गए, तो जम्मू एंड कश्मीर में अब यहां पर विधानसभा और विधान परिषद थी, लेकिन अब लेजिस्लेचर तो होगी बट सेंटर के कंट्रोल में। तो 90 सीट्स थी इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा, 87 मान लीजिए, ठीक है, वैसे 90 पे चुनाव होते थे। तो अब आप ये समझिए कि अभी डिलिमिटेशन कमीशन आई, तो मैंने बताया कि भाई डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, कि बाउंड्रीज को, सीटों को बढ़ाना घटाना। तो इस डिलिमिटेशन कमीशन ने क्या किया, इसने जो 90 असेंबली सीट थी ना जम्मू एंड कश्मीर में, चेंज इसको चेंज कर दिया, पहली बात रिकन्फिगर किया, 90 सीट्स में से कुछ को रीकंफिगर किया, कितना एरिया आएगा, कितना जाएगा, एंड 28 नई असेंबली सीट्स, कंस्टिट्यूएंसी सीट्स, 28 नई असेंबली कंस्टिट्यूएंसी को रीनेम किया, और 19 असेंबली सेगमेंट्स को डिलीट किया, जो इंटरिम रिपोर्ट निकाली है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया है यार। अब इसमें बवाल बहुत ज्यादा होगा, देखो इसमें अभी आपने देखा पिछले साल कि सारे के सारे पार्टीज को बुलाया था, इसमें पीडीपी भी शामिल थी, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, सब, मोदी जी भी गए। एक बहुत बड़ा मुद्दा यह था डिलिमिटेशन का, पार्टीज का बोलना था बीजेपी इसलिए सीट्स बढ़ा रही है, हिंदू कश्मीर में नहीं, वो जम्मू में सीट्स बढ़ा रही है, तो इसमें हिंदू वोट जो है वो ज्यादा होंगे, राइट सी बात है, तो एक तरीके से बीजेपी को फायदा होगा। तो बहुत लोग डिलिमिटेशन के फेवर में नहीं थे, ये इसका पॉलिटिकल एंगल है, ये आप समझ रहे हो। एनीवे जो है सो है, रीकन्फिगर किया यहां पे कुछ सीटों को, 90 असेंबली सीट्स में से कुछ को रीकन्फिगर किया और कुछ को रीनेम किया, और 19 असेंबली सेगमेंट्स को डिलीट ही कर दिया। तो बेसिकली यहां पे रीड्रॉ हो रहा है। अब आप ये देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पहले डुअल सिटीजनशिप थी, अब कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं है, सेंटर लॉ अब सीधा डायरेक्ट अप्लाई, सेपरेट लॉ अब नहीं होगा जम्मू एंड कश्मीर का, 35 से हट गया, इंडियन सिटीजंस यहां पे अब जा सकते हैं, जमीन अमी ले सकते हैं, अदर स्टेट्स आल्सो कैन बाय लैंड प्रॉपर्टी, दो झंडे होते थे अब दो झंडे नहीं होंगे, इलेक्शन हर 5 साल में होंगे अब।
सेंटर जो है वो, क्योंकि अब सेंटर 352, 356, 360, खैर 352 तो वैसे भी जब लगी जाता तो पूरे देश में ही लगता है, लेकिन 356, 360 अब लग सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल मतलब ये इमरजेंसीज हैं, ठीक है, नेशनल स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसीज लगाई जा सकती है। और पुलिस जो है दैट विल बी मैनेज्ड बाय दी सेंटर, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, अभी तक पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो जो राज्य होता है ना वो पुलिस को मैनेज करती है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल इतने खफा है, कहते हैं कि तुमने हमको दिल्ली तो दे दी, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाओ ना, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेचर, तो पूरी की पूरी पुलिस यहां पे होम मिनिस्ट्री के पास है, है ना। तो ये चीज है, तो आप ये देख सकते हो कि यहां पे पॉपुलेशन जो है वो 1,25,00,000 के आसपास है टोटल पॉपुलेशन। एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, एरिया बहुत बड़ा है, ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है। अब लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं होगा, तो वही चीज है, लद्दाख वाले बहुत खुश हैं, क्योंकि फाइनली अभी लद्दाख में आपने देखा, जम्मू कश्मीर भी आपने देखा कि अब मूवी यहां पे मल्टीप्लेक्स खोला जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर तो बहुत डेवलप है, वो डेवलप होगा ही होगा, चाहे यहां पे लेजिस्लेचर हो चाहे किसी का भी कंट्रोल हो, जम्मू एंड कश्मीर डेवलप होगा, क्योंकि उसकी टेरेन ही ऐसे है। लेकिन अब यहां के युवाओं के लिए जब अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना, तो ये लोग हथियार डाल देंगे। अभी तक पाकिस्तान इनको बरगला देता है, लेकिन जब यहां पे अपॉर्चुनिटीज आएगी, एम्प्लॉयमेंट, एक टूरिज्म, आम इंसान क्या चाहता है, आम इंसान चाहता है भाई हमारा घर चलता रहे। आम इंसान यहां के जो लोग है ना, वो चाहता है कि भाई टूरिस्ट आते रहे हमारा घर, और हम गरीब लोग हैं भाई हम क्या करेंगे। लेकिन जब ये सब होता है तो इनको सबसे ज्यादा लात पड़ती है, इनके पेट पे लात मारी जाती है ना। अब ये ठीक है, चीजें अब नॉर्मल हो रही हैं। तो लद्दाख में आप देख सकते हो, लद्दाख का 59.1 मतलब 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, और यहां पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि भाई लद्दाख बहुत ही ठंडा है, तो 2,50,000 के करीब पॉपुलेशन है, समझ रहे हो। तो अब देखो व्हाई इट इज नीडेड इन जम्मू एंड कश्मीर, भाई डेलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर मेरे ख्याल में तो बता ही चुका हूं मैं, पूरा क्लियर हो ही गया होगा। तो अब बस हम डेटा पे जाते हैं। सेंटर ने इसको 6 मार्च पिछले साल इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, ताकि लोकसभा और जो विधानसभा की असेंबली सीट्स को रीड्रॉ करें। मैंने बताया ना कि हर 10-10 साल में पॉपुलेशन बढ़ती है, तो आपको सीट्स भी ज्यादा चाहिए ना, रीड्रॉ करना पड़ता है। फिर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, दो मतलब स्टेट को दो में बांट दिया, और उसी के हिसाब से अब सीट्स को, कंस्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करना है। डेलिमिटेशन कमीशन जो है वो पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में 1952 में 20-20 साल में बनाई जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद 1963 में, देन 1973, फिर 2002 में, वैसे तो सेंसस के बाद, लेकिन वही है कि टाइम वेरी कर सकता है। इंटरिम रिपोर्ट जो है दे आर शेयर्ड विद द एसोसिएट मेंबर्स 2 डेज अगो, 2 दिन पहले ये इंटरिम रिपोर्ट जो है वो शेयर की जा चुकी है। और अब यही है कि जो कश्मीर डिवीजन है, देखिए जम्मू एंड कश्मीर में दो है, एक जम्मू है कश्मीर है, ये घाटी है। अभी आपने देखा था कि जब इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस हुए थे, तो आपने ये देखा था कि यहां पे जम्मू में तो बीजेपी को वोट मिले थे, लेकिन कश्मीर में एक भी वोट नहीं मिला था, ठीक है। तो यहां पे दिस डिवीजन विल गेट एन एक्स्ट्रा सीट। अब देखिए नई सीटें जुड़ रही हैं, कुपवाड़ा में जम्मू डिवीजन एक एडिशनल सीट मिलेगी, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक, सामा में एक, डोडा में एक, रजौरी में एक, उधमपुर में और एक किश्तवाड़ में। नई सीटें यहां पे जम्मू को ज्यादा मिल रही हैं, कश्मीर को कम मिल रही हैं। अब 6 सीटें ऐड की गई हैं, इसमें से 3 असेंबली सेगमेंट्स आर फ्रॉम मुस्लिम मेजोरिटी, चेनाब वैली एंड पीर पंजल वैली, बाकी 4 दे आर फ्रॉम हिंदू जम्मू एंड कश्मीर, सांबा कठुआ बेल्ट। यही दिक्कत, यही इसी पे पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में सही से मैनेज किया है भाई। जो 6 सीटें बनाई है उसमें जो 3 है, ठीक है, 3 जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी और बाकी 4 जो हिंदू मेजोरिटी, ठीक है। मतलब अगर कंस्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करना एक बहुत अच्छी बात होती है। देखिए जितनी ज्यादा सीट्स उतना ज्यादा डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं, क्योंकि एरिया बट गया ना। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा एरिया उसको आप 5-6 में बांट देते हो, तो आप ये भी तो समझो उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद वैष्णो देवी कटरा, अब तो वंदे भारत चल रही है भाई, घूम के आओ। तो श्री माता मतलब दर्शन करके आओ, माता वैष्णो कंस्टिट्यूएंसी दे हैव बीन आइडेंटिफाई एज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, सिर्फ 73,648 वोट्स जम्मू रीजन में आती है, यहां पे पड़े हैं। द कमीशन हैज आल्सो प्रपोज्ड फ्रेमिंग ऑफ लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज विद जम्मू एंड कश्मीर अर्लियर हैविंग 5 व्हिच इंक्लूडेड 3 सीट्स फॉर कश्मीर एंड 2 फ्रॉम जम्मू। इट हैज सजेस्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट 18 असेंबली सेगमेंट्स अमंग द 5 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज। तो असेंबली सेगमेंट्स वही है कि आप देखिए असेंबली सीट्स के बेसिस पे ही आप लोकसभा सीट बनाओगे, विधानसभा की जितनी सीट होगी उसी के बेसिस पे आपकी लोकसभा की सीट बनेगी, ठीक है। तो आप जैसे 18 सेगमेंट्स हैं, 18 सीट्स हैं, आप उसी को डिवाइड करके आप लोकसभा की सीट बनाओ। तो यही बताया जा रहा है यहां पे कि 18 असेंबली सेगमेंट्स अमंग द 5 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
कमीशन हैज एडवोकेटेड अ लोकसभा सीट डिसजॉइंटेड ज्योग्राफिकली बाय मर्जिंग तीन डिस्ट्रिक्ट, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियन, इन तीनों को मर्ज करके एक लोकसभा सीट बनाओ। साउथ कश्मीर में आता है ये, एंड टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ रजौरी, पूंछ एंड पीर पंजल इन जम्मू प्रोविंस। तो जम्मू प्रोविंस रजौरी, पूंछ और पीर पंजल को कंबाइन करके एक सीट, और यहां पे तीन डिस्ट्रिक्ट कुलगांव इसको मर्ज करके। इट विल बी नेम्ड अनंतनाग रजौरी सीट विच विल कॉम्प्रोमाइज सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ कश्मीर। स्पीकिंग शेड्यूल ट्राइब असेंबली सेगमेंट्स, द न्यूली कार्ड लोकसभा सीट विल हैव 6 ऑफ 9 असेंबली सेगमेंट्स रिजर्व्ड फॉर SC/ST। तो यहां पे आप देख लीजिए कि यहां पे, क्योंकि देखिए ये वाला जो एरिया है ट्राइब्स, ट्राइबल पॉपुलेटेड, तो जो न्यूली कार्ड लोकसभा सीट बनेगी, लोकसभा में जो सीट बनेगी 9 असेंबली में से 6 दे विल बी रिजर्व फॉर दी एसटी सेगमेंट, सॉरी सीट्स नहीं, सेगमेंट्स की बात हो रही है यहां पे, ये आप देख सकते हो। ठीक है, दिस इज जम्मू। ठीक है, ये तो खैर पीओके आ गया, ये पीओके क्यों आ गया यहां पे? एनीवे, क्रिटिसिज्म, अब रीजनल पार्टीज क्रिटिसाइज कर रही हैं। भाई देखो, बहुत जबरदस्त रिएक्शन आया है। मेन तो यहां पे कांग्रेस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी मेन और बीजेपी, यही चार मेन पार्टीज है यहां पे। तो बीजेपी तो खैर ये लाई है तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने बोला है कि देयर इज नो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल लॉजिक दैट जस्टिफाई दीज रिकमेंडेशन। किस बेसिस पे आपने ये रिकमेंडेशन दे दी? ना ही इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, ना ही कोई पॉलिटिकल, ना ही कोई सोशल लॉजिक है। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा मुफ्ती वाली, उन्होंने बोला है कि पैनल ने ये प्रूव कर दिया है कि दिस इज द फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूलिंग बीजेपी। बीजेपी की, क्योंकि ये डिलिमिटेशन कमीशन तो बिल्कुल न्यूट्रल रहती है ना, तो पीडीपी का कहना है कि भाई बीजेपी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। फिर उसके बाद अल्ताफ बुखारी ने अपनी पार्टी से बोला है, जो कि बीजेपी के ही एलाई हैं, उन्होंने बोला है कि भाई प्रपोजल्स डिलिमिटेशन आर अनफेयर एंड अनसाइंटिफिक, दे आर क्वाइट अनफेयर एंड अनसाइंटिफिक, अपनी पार्टी वंस अगेन रिजेक्ट्स द ड्राफ्ट वर्किंग पेपर्स। तो ये चीज है, यानी कि इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब डिलिमिटेशन का प्रोसेस देख लीजिए, मतलब वही है कि लिमिट्स, बाउंड्रीज की लिमिट्स को रीड्रॉ करना, फिक्स करना, ये डिलिमिटेशन कमीशन करता है फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। एक बार कमीशन ने बोल दिया कि ये होगा, अप्रूव हो गया, तो आप कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते। कल को जम्मू एंड कश्मीर की पार्टी जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकती। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रीड्रॉ, जो डेटा आया लास्ट सेंसस से रीड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, एक चेयरमैन होता है जो कि रिटायर्ड या फिर सिटिंग जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है क्योंकि यहां पे बात है कंस्टिट्यूएंसीज की, एंड और एनी ऑफ द टू इलेक्शन कमिश्नर्स, क्योंकि भाई इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 से लेकर 326, टोटल तीन इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, पहले एक ही होता था, इसमें एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चलो बताओ भाई अभी कौन है कमेंट बॉक्स में, और बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर जो इनका साथ देते हैं, तो इन तीनों में से कोई एक भी हो सकता है। और 5 MPs और 5 MLAs होते हैं ऑफ द स्टेट्स, दे आर चोजन एज द एसोसिएट मेंबर्स ऑफ द कमीशन। अब कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक प्रावधान आप देख लीजिए, आर्टिकल 82 ये कहता है कि पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, हर 10 साल के बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए। स्टेट की बात करें तो आर्टिकल 170 कहता है कि स्टेट्स गेट्स डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर डिलिमिटेशन एक्ट फॉर एवरी सेंसस। अब डिलिमिटेशन होता कैसे है, ये पूरा का प्योर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है। आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पार्लियामेंट्स इनैक्ट्स अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर सेंसस, यानी कि जैसे ही सेंसस हुआ एक डिलिमिटेशन एक्ट आता है, यानी कि जो MPs हैं वो क्या करेंगे, एक एक्ट लेके आएंगे, और उसको फिर एक्ट को, एक्ट लॉ कैसे बनेगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट जब साइन करता है, यूनियन गवर्नमेंट देन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिलिमिटेशन कमीशन। आया उसके बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन बैठाई जाती है, बता दिए डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन होता है। फिर उसके बाद ये कमीशन क्या करती है, ये सब कुछ एग्जामिन करती है, पॉपुलेशन, देन एग्जिस्टिंग कंस्टिट्यूएंसीज, नंबर ऑफ सीट्स, एवरीथिंग। फिर ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है दैट इज पब्लिश्ड इन द गजेट ऑफ इंडिया, द ऑफिशियल गजेट ऑफ द स्टेट्स, कंसर्न्स एटलीस्ट 2 vernacular पब्लिकेशन। तो यहां पे पहले एक्ट आया, कमीशन बैठाएगी, कमीशन ने सब कुछ एनालाइज किया और उसके बाद रिपोर्ट पब्लिश कर दी, और उसके बाद फिर बहस होती है। तो ये हिसाब किताब था। जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स और जम्मू एंड कश्मीर दोनों ही बदल रही हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नेचर था, मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है, एक बार आप और पढ़ेंगे सुनेंगे आप समझ जाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।